17 मार्च को दिन में लगभग 12 बजे चित्रकूट जिले के राजापुर कस्बा के प्रभात केसरवानी अपने एक साथी प्रेम नारायण के साथ पहाड़ी से राजापुर आ रहे थे, तभी उनकी बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें प्रभात की मौत हो गई और उनका साथी गंभीर रूप से घायल है। कैसे आज ये हादसा हुआ? वहाँ से टैक्स लेके आया था जो है यहाँ जमा करने के वास्ते, जमा करके वापसी जा रहा था, तो आगे वो गाड़ी लेके जो है मतलब जो है बच्चा था और पीछे से ट्रक वाला था। ट्रक के नीचे बाइक आ गई थी? ट्रक के नीचे नहीं, मतलब बाइक जो है धीमी थी और ट्रक जो है तेजी में था। राजापुर से करबी आया था टैक्स जमा करने, और टैक्स जमा करके राजापुर वापस जा रहा था, और इधर से ट्रक भी लोड सीमेंट का जा रहा था, तो उसने साइड मांगा। उसने साइड ना देने के बाद फिर इसने साइड लिया, तो ड्राइवर नशे में था, तो जैसे हल्की साइड दिया निकाला, तो उसका जो है पिछला पहिया उसके ऊपर चढ़ते हुए गाड़ी निकल गई। यही एक लड़का था जो परिवार को चला रहा था। अकेला भाई था? नहीं, दो भाई थे, एक छोटा भाई है करीब 10 साल का। तो जब वो बाइक में थे अकेले थे कि और? नहीं, दो लोग थे, एक इनका पल्लेदार साथ में था, वो भी घायल हो गया, सरकारी अस्पताल में एडमिट है वो, उसका इलाज चल रहा। कितनी उम्र थी पवन की? पवन की उम्र थी 18 वर्ष, और जो घायल हुआ उसकी उम्र थी 35 वर्ष। पुलिस पहुंच गई थी मौके पे? हाँ, पुलिस को सूचना भी दी हमने, FIR नहीं लाज कराई, अभी सूचना दिया है, अब जब तक पोस्टमार्टम PM रिपोर्ट मिले तो उसके आगे फिर कार्रवाई कराए। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा प्राप्त संख्या पंजीकृत है 54/17 धारा 279, 338, 304 के पंजीकृत है।